तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो गाइस, हम फिर से निकल चुके हैं एक और अनदर व्लॉग वीडियो शूट करने के लिए। मैं अभी पीछे बैठा हूँ और सामने है मिशन भाई जो बाइक चला रहा है। इसका फर्स्ट वर्जन 4 बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है। भोसड़ी क्या पागल है क्या? बेचारा घबराया हुआ है। तो चलो, कोशिश कर रहा है, जब कोई बात नहीं, ध्यान से चलाना बस। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं वेनम की जो है फुल मॉडिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने पहले ही बोला था कि वैसे भी बहुत सारी जो है एक्सीडेंट हो चुकी है वेनम में। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, स्क्रैचेस भी आई है, इसीलिए मैंने सोचा कि वेनम को जो है पूरी मॉडिफाई कर दूं ताकि वो सेफ्टी में रहे। तो इसीलिए हम निकल चुके हैं। तो चलो फिर, मैं रास्ते में नहीं, अब आपको सीधा जो है मैं सनील मतलब जेन्युइन ऑटो जो गैरेज है जहां से मैं सब कुछ काम करवाता हूं, वहां पे जाके जो है मैं फिर से वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर। हमने रिक्स ले लिया था अपनी बॉडी के ऊपर। तो चलो, वो देखो गाइस, ये रहा जेन्युइन ऑटो, सनी भाई का गैरेज। अस्सलाम वालेकुम चूतिये। बड़े हरामी हो बेटा। A few moments later. 150 रुपया देगा। गाइस ये देख लो, ये बम्पर का जो सीन है, एक्सीडेंट होने के बाद जो सेफ्टी गार्ड होता है, तो मैं ये भी लगाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि वेनम की जो है अभी वो सामने लगाने की मतलब बीच में लगाने के लिए कोई नटवट खोलना पड़ता है, तो अभी खोल रहा है। उसके बाद इसको जो है अंदर से ही फिटिंग्स करेंगे। मैंने क्रश गार्ड के लिए भी ऑर्डर दिया था, लेकिन क्रश गार्ड अभी नहीं आया, तो बाद में जब आएगा मैं यहाँ का, और ये वाला जो मैंने टूट गया था इसीलिए मैंने इस वाले को भी ऑर्डर किया था, लेकिन जब आया, लेकिन मेरा वर्जन 3 का मॉडल नहीं है इसीलिए जो है वो फिटिंग्स नहीं हो पा रहा है। फिर से मुझे अलग से मंगवाना पड़ेगा। जब आएगा फिर से मैं इस वाले को चेंज कर दूँगा, और क्रैश गार्ड भी आएगा तो उसे भी लगा दूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने करीबन 9,500 रुपये का सोच के रखा था, लेकिन अभी जो है पार्ट्स आया, लेकिन ये वर्जन 3 का मॉडल नहीं है मेरा, इसीलिए जो है मैच नहीं हो रहा, इसीलिए अभी क्या करें, फिर से जो है मंगवाना पड़ेगा मुझे। तो गाइस पता नहीं अब कितने दिन लगेगा आने में। आप देख सकते हैं कि वेनम की जो है टायर पूरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने नया टायर लेकर आया हूं। अब इसको जो है चेंज करूंगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ मैंने कौन सा वाला टायर यूज़ किया है, उसका प्राइस क्या है। तो पहले अगर खोलते हैं फिर मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में। ये वाला टायर जो है ये मैकेनिक का है, तो ये मैंने लिया अभी लेके आया हूँ। मैं आपको बीट भी दिखा देता हूँ इसका, ये देखिए। इसका प्राइस मेरे लिए अभी पड़ा है 2100 रुपये, मैं बता नहीं सकता आपके लिए कितना होगा। इससे भी कम जो सस्ता वाला है 1800 या 1900 का, मैंने वो वाला नहीं लिया, ये वाला अच्छा है इसीलिए मैंने जो है ये वाला ही लिया। इसका टायर का जो है मैं नंबर दिखा देता हूँ, ये देखो नंबर 180-17, मतलब 180 फिर जो है 17, इसका टायर का मॉडल नंबर है।